नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ स्मेली फीट के बारे में, स्टिंकी फीट, जो कुछ लोगों के पैरों से दुर्गंध बदबू आती है उस चीज़ के बारे में। आपने कई बार खुद या अपने आसपास के लोगों के वजह से ये तकलीफ़ महसूस की होगी। पैरों से दुर्गंध आना सिर्फ खुद के लिए शर्मिंदगी का भी एक रीज़न होता है, इसके सिवा जो आसपास के लोग हैं हमारे, उनको भी तकलीफ़ होती है। इस वजह से मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है। मैं डॉक्टर सुमन अग्रवाल हूँ, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन सूरत से। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आप फ्यूचर में हमारे कोई भी वीडियोस मिस ना करें। और मैं स्किन, हेयर और लेज़र से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ। आइए जाने के ये स्मेली फीट, स्टिंकी फीट, बदबूदार पैर, ये किस वजह से होते हैं। तो इसका बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि पैरों की जो त्वचा है उसमें गीलापन रहना और उसमें हवा का बहाव अच्छे से ना हो पाना, मतलब वो बंद रहना। तो गीलापन कैसे रह सकता है? जब गीलापन रहता है तो जो हमारी त्वचा के आसपास या त्वचा की सतह पर फंगस, बैक्टीरिया होते हैं, वो पनपने लगते हैं त्वचा पे और वो कुछ ऐसे केमिकल्स बनाते हैं जो बदबू रिलीज़ करते हैं या दुर्गंध पैदा करते हैं। गीलापन क्यों रहता है? देखिए, एक तो रेनी सीज़न है, मान लीजिए, तो रेनी सीज़न में हो सकता है कि पैर बार बार गीले हो रहे हों, और जिन लोगों को जूते मोजे पहनने पड़ते हों उन लोगों के पैर जब गीले होते हैं बार बार तो उनको ज़्यादा तकलीफ होती है। जो टीनेजर्स हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, एथलीट्स हैं, जिमिंग, हैवी जिमिंग करते हैं, कुछ लोगों को पैदाइशी तौर पर पसीना ज़्यादा होता है और अगर ये बंद जूते मोजे टाइप के पहने रहते हैं ज़्यादा समय तक तो इनको ये संभावना ज़्यादा होती है। तो इन शॉर्ट, अगर गीलापन रह रहा है और आप जूते मोजे पहने रह रहे हैं तो ये समस्या ज़्यादा होती है। तो इसका बचाव किस तरह करेंगे? देखिए, जब कारण हम समझ गए हैं कि कैसे हो रहा है तो हमें पता है बचाव के लिए हमें वो चीज़ें अवॉइड करनी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है पैरों की त्वचा को साफ और सूखा रखना। तो साफ़ रखने के लिए और सूखा रखने के लिए आप पहले तो एंटीबैक्टीरियल जो बार होते हैं या लिक्विड होते हैं उनसे आप पैरों की त्वचा को अच्छी तरह क्लीन करिए। क्लीन करने के बाद टॉवल से अच्छे से पोंछ लीजिए। जैसे हम पोंछते ज़रूर है लेकिन हम ध्यान नहीं देते कि पैरों की त्वचा अच्छी तरह हमने पोंछी है कि नहीं, पानी तो नहीं रह गया, कहीं पसीना तो नहीं रह गया। तो आप अच्छे से टॉवल ड्राई कर लीजिए, टिश्यू पेपर से भी बीच बीच में कभी आपको लगता है कि पैरों में गीलापन आ रहा है तो आप ड्राई कर सकते हैं। ड्राई करने के बाद हमेशा एंटी फंगल पाउडर लगा सकते हैं आप, जो उंगलियों के बीच की जगह है उस टाइप की जगह में आप एंटी फंगल पाउडर लगा सकते हैं। आप जो डिओड्रेंट या एंटी परस्पायरेंट्स आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, वो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। वो लोशन के फॉर्म में, रोल ऑन के फॉर्म में, स्प्रे के फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म्स में आते हैं। ये पैरों में लगाने से पैरों की त्वचा में कम पसीना होने की संभावना होती है और इतनी तकलीफ बढ़ने की संभावना कम हो जाती है। आप इसके सिवा बीच बीच में जब भी ड्राई करना, आप टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हैं, कॉटन यूज़ कर सकते हैं, कॉटन का कोई नैपकिन यूज़ कर सकते हैं, उससे आप पसीना या जो पानी या गीलापन है उसको सोख सकते हैं। इसके सिवा आप है ना, जूते मोजे पहनने के पहले थोड़ा कॉटन का बॉल रख सकते हैं कुछ कुछ एरियाज़ में जहाँ पे स्पेस है और जहाँ पे पसीना होता है, जो पसीने को सोख ले और आपकी त्वचा पे गीलापन ना बना रहे। या टिश्यू पेपर भी रख सकते हैं, सॉफ्ट टिश्यू पेपर। मोज़े हमेशा कॉटन के पहनिए, सूती मोज़े पहनिए। एकदम प्योर सूती मोज़े तो नहीं अवेलेबल होते हैं लेकिन जितने हो सके सूती पहनिए। ड्राई होने चाहिए, सूखे होने चाहिए और क्लीन होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए। तो रोज़ धुले हुए, सूखे हुए अच्छी तरह और कॉटन के मोज़े ही पहनिए। मोज़े रोज़ चेंज करिए। अगर आपको ज़्यादा पसीना होता है, कंटिन्यू ज़्यादा देर तक जूते मोज़े पहने रहने होते हैं, तो आप दिन में भी एक दो बार चेंज कर सकते हैं सॉक्स। जूते भी आप डेली चेंज करिए। देखिए, यूजुअली एक दो पैर सबके पास होती हैं तो ऑल्टरनेट करके पहनिए। जो पैर आपने यूज़ नहीं कर रहे हैं वो पैर को आप अगर हवा में या हल्की धूप में, लाइट धूप में रखेंगे तो उसके अंदर जो एक सिन पना आ जाता है, जो नमी आ जाती है, वो ड्राई हो जाएगी और सन की रेस से वो डिसइनफेक्ट भी हो जाएगी, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। आप चाहे तो टी बैग या लेमन का यूज़ किया हुआ लेमन का छिलका, नींबू का छिलका रख सकते हैं। इससे वो एक एंटी परस्पायरेंट की तरह एक्ट करेगा और जो ख़राब स्मेल है उसको वो सोख के हटा देगा। जूते आप
सही फिटिंग के पहनिए और अच्छी क्वालिटी के पहनिए जिससे हवा आती जाती है। जो स्पोर्ट शूज़ आते हैं अच्छी ब्रांड्स के आते हैं, थोड़े महंगे ज़रूर आते हैं, लेकिन उनमें ऐसी सुविधा होती है कि उससे हवा आसपास आपके पैरों की स्किन से पास हो सकती है। तो इन बातों का ध्यान रखिए। इसके सिवा फिर भी अगर आपको स्मेली फिट होते हैं तो आप थोड़ा डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलकर दवा कर सकते हैं। ये बात का ध्यान रखिए कि अगर आपकी स्मेली फिट है तो आप कभी भी पब्लिक में अपने शूज़ रिमूव मत करिए, क्योंकि स्मेल होती पनपती जूते मोजे पहनने के वजह से, लेकिन वो रिलीज़ होती है जब आप जूते हटाते हैं। तो अगर आपको ऐसी समस्या है तो ट्राई करिए कि पब्लिक में 10 लोगों के बीच आप अपने जूते रिमूव ना करिए, घर आके प्राइवेसी में आप रिमूव करिए और डर्मेटोलॉजिस्ट की आप सहायता ले सकते हैं। वो आपको लगाने के लिए कुछ दवा दे सकते हैं, इंजेक्टेबल्स भी आते हैं, कुछ ओरल मेडिसिन भी आती हैं, मतलब और कुछ सुविधाएं होती हैं जिससे ये प्रॉब्लम थोड़ी कम हो सकती है। कुछ हद तक कह सकते हैं कि शायद स्टिंकी चीज़ें ना खाने से ये प्रॉब्लम थोड़ी हद तक लिमिट हो सकती है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने से भी प्रॉब्लम में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ सकता है। इस प्रॉब्लम से रिलेटेड या कोई भी त्वचा से रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। अगर आप मुझे कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए। थैंक यू।